नमस्कार दोस्तों, हमारे TNSH ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने ये जो चैनल बनाया हुआ है, ब्रिज और हाईवे से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं और जिनको कोई डाउट्स होता है, जो सिविल इंजीनियरिंग करके बिल्कुल फ्रेशर्स और नए हैं, उन सभी को कुछ सीखने को मिले, इसलिए ये वीडियो और इस चैनल को मैंने बनाया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक ब्रिज का ड्राइंग बना रहे हैं। MNP है, जिसमें स्पान 10 मीटर का है और 8.4 मीटर की इसकी पैरल लेंथ है। और ये एक माइनर ब्रिज है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे PCC राफ्ट और अब हम इस्कावर में जहाँ पानी रहता है, जहाँ तक उसको स्कावरिंग पोर्शन बोलते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, ये लिफ्ट आ जाएगी, यहाँ पे बेटर लिफ्ट बोल देंगे इसको। मैं इसके बारे में डिटेल में ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। अच्छा, ये यहाँ पे जो है कैप, जैसे कि इस ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो कैप है, ठीक। और कैप के बाद यहाँ पे आ जाता है पेडिस्टल। ये जो बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आपको पेडिस्टल, मैं आपको इसमें डाइमेंशंस भी बताऊंगा, विड्थ भी बताऊंगा और कितनी हाइट पे विद RL के साथ में मैं इसको समझाऊंगा, ताकि आप कभी कोई सी भी ड्राइंग पढ़ें तो आपको ये समझ में आ जाए। ये यहाँ पे डर्ट वॉल है जो बना दी गई अभी आप, और ये इसके ऊपर बियरिंग्स प्रोवाइड की गई हैं पेडिस्टल के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। और इसके बाद बियरिंग के ऊपर हम यहाँ पे स्लैब कास्ट करते हैं, तो ये मैंने स्लैब को भी यहाँ पे दिखा दिया है, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। और स्लैब के ऊपर आता है बियरिंग कोट, ठीक। गाइस, मैंने सभी वीडियोस को जो है हाईवे स्ट्रक्चर से रिलेटेड दीनेश नागर DNSH ब्लॉग्स की जो प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सभी वहाँ पे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। हमारा एक्सकवेशन लेवल 207 285 और FRL 211 750 हो गया था। इसके बाद 150 और 300 PCC और राफ्ट, और इसका इसकावर 700। बेटर लिफ्ट हमारी यहाँ पे हम क्या करेंगे, FRL जो रहता है, FRL और कैप बॉटम ये फिक्स रहता है। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैप हमारा 600 का हो गया और पेडिस्टल यहाँ पे 500 का, और 0.039 की हमारी बियरिंग है, और स्लैब की जो थिकनेस है सेंटर में 1.155 है, और बियरिंग कोड हमारा 0.075। ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये है बी फोल 1 मीटर सेंटर टू सेंटर स्टेजर्ड, और ये 20 mm का गेप यहाँ पे जब स्लैब कास्ट होती है तो डर्ट वाल और स्लैब के बीच में रहेगा ये गेप। अप्रोच स्लैब यहाँ पे 3.5 मीटर की बनाई जाएगी और साथ में DLC की जाएगी। यहाँ पे हम विड्थ की बात कर लेते हैं अबटमेंट में, तो इस अबटमेंट की जो विड्थ है वो 3.225 है स्क्वायर में, और 4.561 है इसक्यू 45 डिग्री एंगल पर। 300-300 की राफ्ट और फिर इसके बाद हम 600 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.625 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं, स्कावर टॉप हो जाएगा, स्कावर टॉप में हम 700 और माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.925 स्क्वायर में, और वो इसक्यू में 2.722। ये यहाँ पे जो दिख रहा है कैप, कैप बॉटम तक हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे 300 डटवाल है और 725 यहाँ पे टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1025, ये स्क्वायर में है, ठीक। ये 725 और 1025। अब हम यहाँ पे पेडिस्टल का बता देते हैं, तो पेडिस्टल हमको डालना है 550 का, ठीक, जो कि आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है। और बाकी दूसरा डायरेक्शन हम इसका दिखाए जाए, दो डायमेंशन है, तो 550 इस साइड में है और सेकंड साइड में 700। यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये 340 है सेंटर से पेडिस्टल से, ठीक। ये फिलिंग साइड है दोनों साइड की, ये अबटमेंट की इस तरफ फिलिंग आएगी जहाँ पे मैंने अभी दिखाया।
अब मैं लेवल्स की बात कर लेते थे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 207 285 ये एक्सकवेशन लेवल हो गया है, और हम इसमें क्या करेंगे पीसीसी और राफ्ट दोनों मिला के 450 प्लस कर देंगे, 207 735 हो जाएगा, और हम यहाँ पे फिर 700 और ऐड कर देंगे तो 208 और जो भी लेवल आएगा वो। इसके बाद यहाँ पे जो है ना 0.946 प्लस कर देंगे, इसके बाद 600 प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे 500 ऐड कर देंगे, उसके बाद बियरिंग आ जाती है तो बियरिंग 0.039 ये ऐड कर देंगे लेवल में। इस तरह से हम जो है ना ऊपर तक लेवल में जो है ना ये ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे 1155 ऐड करना है आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है ये लैपटॉप हो जाएगा ठीक। और इसके बाद जो है ना 0.075 ऐड कर देंगे तो 211750 जो कि आपका FRL है। ये सेंटर से जो है ना एक्सकवेशन लेवल तक मैंने आपको लेवल दिखा दिया। अब हम हाइट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको हाइट और विड्थ देख लिया, अब हम लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ आपको 8.4 मीटर ठीक 8.4 मीटर में बनाना है। अब यहाँ पे ये 700 और 700 ठीक, ये दोनों साइड 700 और 700 इस कवर में रहेगा। इस कवर लेफ्ट की जो स्लोप रहेगी वो 700 की रहेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ गया है। और ये आपका इनर साइड में अबटमेंट में 300 की स्लोप रहेगी, और ये आपकी फिलिंग साइड है, इस फिलिंग साइड में आपको 600 की स्लोप रहेगी। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके स्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियोस वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे अभी ये अबटमेंट का सेक्शन आपको दिखाया मैंने, इसी तरह मैं आपको रिटर्न वाल का और पीसीसी और राफ्ट और फिर आगे के जो भी लिफ्ट रहेंगे उनके बारे में डिटेल आपको बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।